Hi guys, a very happy, healthy and a prosperous new year 2021 to all of you. So, आज मैं दिखाने जा रही हूँ अपना पहला व्लॉग, हमने कैसे सेलिब्रेट किया 1st of January 2021, इसी होप में कि कोरोना बहुत जल्दी भाग जाएगा और हमारी लाइफ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी. So, let's begin. तो 31 दिसंबर की इवनिंग में मैंने ऑर्डर किए थे वाव मोमोज, चिकन स्टीम मोमोज, तंदूरी चिकन स्टीम मोमोज एंड गाइस एक न्यू डिश जो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की थी जो कि है मोमो बर्गर. मो बर्गर बोलते हैं इसको. इसके अंदर दो चिकन मोमोज थे, ये अच्छी पैकिंग में आए थे. आई अग्री टू दैट. टेस्ट वाइज देवर ओके, नॉट टू गुड नॉट टू बैड. और अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग की तो ये थोड़ा हायर साइड पे जाता है, विच आई फील इनको थोड़ा कम करना चाहिए. ओवरऑल रेटिंग आई वुड गिव टू वाव चिकन मोमोज इज़ 3 out of 5. नेक्स्ट मैंने 31st नाइट को ही बनाया था लिशियस का रेडी टू कुक फिश टिक्का, जिसकी रेसिपी गाइस मैंने अपने चैनल क्यूटी फूडी मूडी में दे दी है. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ चेक इट आउट. नेक्स्ट डिश जो मैंने बनाई थी 31st की नाइट को, जो वो थी चिकन करी. ये भी लिशियस से थी और मैं दोनों ही प्रोडक्ट्स को पैकेजिंग, हाइजीनिक वे में पैकिंग और द वे दे डिलीवर्ड, सब चीज़ों में मैं दूंगी 5 out of 5 रेटिंग. फर्स्ट जनवरी के लंच की शुरुआत की मैंने राजधानी होटल की थाली से. ये एक अनलिमिटेड थाली होती है बट इसमें सारी आइटम्स वेजिटेरियन होती हैं एंड मोस्टली दाल बाटी चूरमा, गाजर का हलवा, ये सब चीज़ें थी. मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, उतनी टेस्टी नहीं लगी, बट हाँ क्वांटिटी वाइज इट वाज मोर देन सफिशिएंट. सो गाइस यू कैन गो ट्राई वंस, मे बी इफ़ यू आर वेजिटेरियन यू वुड लाइक इट. So next comes the barbecue chicken pizza from Minority by Sebi. It was the worst pizza I had in my life. बहुत ही बेकार taste था. It was a total money waste. Next dish that we had was walnut dark chocolate pastry cum cake from Pune Sugar Box Conrad Hotel Pune. Guys, if you have not watched my video on Conrad Hotel Cabana, then please check the link in the description box and check out that video guys. 5 on 5 for this cake. Awesome experience. So guys, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं try कर रही हूँ पानी पूरी shots Cafe Delhi Heights में. Five on five for them as well. इसके बाद हम गए guys द हयात पुणे में. सोचा था लंच बुफे करने के लिए बट अभी आप वीडियो में आगे देखते जाइए कि हमने वहाँ पे लंच क्यों नहीं किया है. एक्चुअली कोरोना टाइम ने इस बिज़नेस को, होटल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है. आप देखेंगे एकदम खाली पड़ा है. हम गए थे बहुत इन्जॉयमेंट के लिए कि हाँ हम बहुत अच्छे से लंच बुफे करेंगे, बट अफसोस हमें वापस आना पड़ा. अब हम बढ़ते हैं माइनॉरिटी बाय सेवी जो कि है कल्याणी नगर पुणे में. यहाँ हम गए थे, पहली बार नहीं गए थे, बहुत बार पहले भी जा चुके हैं. मोस्टली लास्ट 2-3 क्रिसमस हमने यहीं पर सेलिब्रेट किए थे. तो यस, मेमोरेबल इवेंट थी कि हाँ हम जाते रहते हैं तो जाएंगे ज़रूर. और इस बार हम गए लेकिन इस बार रेस्टोरेंट ने हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया क्योंकि वहाँ पर क्लाइंट्स आ नहीं रहे हैं. आप देखते जाइए कि कोरोना ने कैसे इस रेस्टोरेंट को भी अफेक्ट किया है, बिकॉज़ कस्टमर्स आ नहीं रहे हैं और उनकी हॉस्पिटैलिटी में
कमी थी फॉर श्योर, और फूड पैथेटिक था। अब आगे देखते जाइए। इस रेस्टोरेंट का जैसा कि आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर काफ़ी कलरफुल है। बहुत अच्छी प्लेस हुआ करती थी ये पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। आई थिंक अभी थोड़ा लो इन मेंटेनेंस है, बट फूड की तरफ ज़ीरो रेटिंग दूंगी मैं। हालांकि मुझे फीडबैक देना चाहिए था रेस्टोरेंट वालों को कि हमें फ़ूड पसंद नहीं आया है, बट देन क्योंकि टाइम की कमी थी, हमें और भी जगह जाना था और हमें अपना दिन स्पॉइल नहीं करना था, इसलिए हमने फीडबैक नहीं दिया। लंच के लिए फिर हम गए राजधानी में, जो कि है फीनिक्स में सेकंड फ्लोर पे। यहाँ पर वॉर्म वाटर से हैंड वॉश कराते हैं सबसे पहले, और जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत तरह के वेजिटेरियन आइटम्स यहाँ पे सर्व होते हैं, इंक्लूडिंग स्टार्टर्स में ढोकला, कुछ पकौड़ियाँ टाइप, कुछ चटनी, बाथू का रायता, दाल, पापड़ था और दाल बाटी चूरमा था। कुछ सब्जियों का टेस्ट अच्छा था और कुछ का सोसो था, तो आई वुड से कि नॉट बैड नॉट गुड। हाँ, वेजिटेरियंस को शायद ये बहुत पसंद आए, लेकिन मेरे लिए इट वाज अ सो एक्सपीरियंस। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी थी और मुझे लगता है 525 के प्राइस में इससे अच्छा खाना आपको नहीं मिलेगा पेट भरने के लिए। फिर उसके बाद हम आए कोरिएंडर किचन कॉनरेड होटल पुणे में। ये हिल्टन प्रॉपर्टी है और ये बहुत ही अच्छा बुफे हो रहा है, न्यू ईयर स्पेशल बुफे। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर कॉनरेड होटल में क्रिसमस की डेकोरेशन कैसे हुई थी। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये दोनों मस्त फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी ह्यूज एंड ब्यूटिफुल क्रिसमस ट्री। बहुत सारे गिफ्ट भी हैं यहाँ पर, देखिए।
अब इधर है ये रिसेप्शन एरिया। ये 5 रेस्टोरेंट्स हैं कॉन्रेड होटल में। लेट मी शो यू द सैनिटाइजेशन हियर। देयर इज अ स्विच व्हिच नीड्स टू बी प्रेस्ड बाय द फीट एंड देन लाइट विल बी ऑन एंड द सैनिटाइजर विल कम आउट। नाउ हियर कम्स द पुणे शुगर बॉक्स। दिस बेसिकली सर्व्स द बेकरी आइटम्स। So PSB stands for Pune Sugar Box. तो चलो कुछ वैरायटी ऑफ केक्स देखते हैं। और कुछ कुकीज। और अब आ रही हैं बहुत ही यमी पेस्ट्रीज। अब जिसको भी ये हाउस वाला केक बहुत ही पसंद आ रहा है प्लीज़ कमेंट बिलो। So this is another restaurant, Koji. So guys, this was the entrance of Conrad Hotel. So जब मैं राजधानी में लंच कर रही थी, meanwhile Kumar was having his Starbucks Frappuccino, New York cheesecake and blueberry perfect. That's it for the vlog guys. Do let me know कि आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया अपना न्यू ईयर इन द कॉमेंट सेक्शन। और ये है एक छोटी सी क्लिप। Enjoy and at last I would like to say a very happy new year to you and your family. Stay safe, stay happy and enjoy every moment in the new year. Thank you so much guys for watching the video. If you really like this vlog, please comment below so that I can give you more such vlogs. And please subscribe to the channel, share with your friends and family. Thank you so much. Bye.
हैप्पी न्यू ईयर 2021 फ्रॉम अस टू यू।